तो यार अगर तुम 2022 के स्टूडेंट हो तो यार ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, इनिशियल कुछ दिन के दौरान मेरे को बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ईमेल्स आ रहा था यार 2022 के बैच को कि भैया हम लोगों का क्या होगा। ठीक है, एक बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर ये डीएम किया कि भैया हमारे जो सीनियर्स है 2020 के एंड 2021 के, मतलब इस बार के, इन लोगों का एग्जाम्स नहीं हुआ, तो भैया हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे रखें, हम क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि स्कूल हम नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम 2022 के स्टूडेंट हो, चाहे ICSE एंड ISC के, तो मैं तुमको ये रेकमेंड करूंगा कि यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत शानदार बनने वाले हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ न्यूली ज्वाइन करने वाले हो, बहुत सारे न्यू बैचेस आने वाले हो, तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3 साल से यार यूट्यूब के अंदर पढ़ा रहा हूँ ICSE एंड ISC को, राइट। एंड स्टूडेंट रिएक्शन वीडियो देख सकते हो, जिधर मैंने जो भी क्वेश्चन, जो भी नोट मैंने प्रोवाइड किया था वो भी फ्री में, वो हर एक चीज ICSE के अंदर आ गया था। ठीक है, तो फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। एंड तुम लोग मेरे 34 साल के बैच है 2019-20-21 एंड यूर 2022, तो पहला बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चंस पूछ रहा था कि भैया सिलेबस हम कौन सा फॉलो करिए, सिलेबस कौन सा फॉलो करें। ठीक है, देखो यार, मैं बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट के साथ बात किया, बहुत सारे ICSE के टीचर्स के साथ बात किया, जिन लोगों के साथ हमने इंटरव्यू करते हैं, जो भी है, ठीक है, पॉडकास्ट करते हैं, आई टॉक्ड विद देम, एंड वो लोग मेरे को बोला, एंड वो स्टूडेंट मेरे को बोला कि भैया स्कूल में रेगुलर सिलेबस करवाया जा रहा है। पहला डाउट पर तुमको ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, क्या 2022 के लिए रेगुलर सिलेबस अभी तक यू हैव टू फॉलो, क्योंकि अभी तक कुछ रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बात नहीं किया गया। 2021 के लिए रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बात किया गया था, ठीक है, बट 2022 के लिए रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बात नहीं किया गया, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग। बट चिंता मत करो यार, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी यार, मेरा भी कॉलेज अभी ऑनलाइन में चल रहा है, ठीक है, मेरे पास भी कुछ हद तक समय है, मैं ट्राई करूंगा, मेरा जितना टाइम है पूरा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना है, एंड जितना हो सके फ्री में पढ़ाने वाले हैं हम, सब कुछ ट्राई करेंगे, एंड इस बैच के लिए जितना हो सके फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना पूरा फुल डालने वाला हूँ। ठीक है, फुल डालने वाला हूँ, लास्ट 3 साल से मैं जितना दिया था, अगर इस बार कर सकते तो उससे ज्यादा करेंगे। हाँ, मेरा खुद का भी पढ़ाई है, मेरा खुद का भी यार कैरियर है, खुद का भी प्लेसमेंट वगैरह है। ठीक है, सेकंड बात क्या है, प्रिपरेशन, भैया प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि हम तो ना तो क्लास 9 में एक दिन स्कूल गए थे, ना तो क्लास 10 में जाने वाले हैं कि नहीं वाले हैं पता नहीं, क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत कुछ होने वाले हैं, राइट। तो पहला बात तो है कि ऑनलाइन ही एकमात्र हमारे पास सोर्स है, बट मैं बोलूंगा ये ऑनलाइन अगर तुम सही कर सकते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सोर्स है, बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है सबके पास। ठीक है, चाहे तुम्हारे स्कूल में टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है उसको अटेंड करो, उसको छोड़ के जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियोस बनाना। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैं खुद स्वयं पढ़ा के रखे हैं, बहुत सारे अदर्स टीचर्स भी हैं इस चैनल के अंदर वो पढ़ा के रखे, उस वीडियोस को जाके चेक करो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी कुछ कम या फिर कुछ घटाया नहीं गया है, इट इज स्टिल नाउ एज इट इज। ठीक है, तीसरा बात क्या है भैया, एग्जामिनेशन, भैया 2020 के जो हमारे सीनियर्स है उन लोग आधा एग्जाम्स दिया था ICSE एंड ISC के बच्चे, आधा एग्जाम्स विद दैट मेथोडोलॉजी कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, 2021 के लिए भैया एग्जाम्स ही नहीं हुआ, कोरोना का सेकेंड वेव आ गया, सुन रहा है कि सुनने में आया कि थर्ड वेव भी आ रहा है, तो क्या करें हम, हाँ सुनने में आया है कि थर्ड वेव आ रहा है, अभी के अभी जाके क्या करें हम, राइट। सो देखो यार, मैं पहला रिकमेंड करूंगा कि लास्ट 10 ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, मेरा 2-3 रिकमेंडेशन रहेगा। पहला बात तो है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस, राइट। नंबर टू बात क्या, नंबर टू बात यह है कि भैया हमारे सीनियर्स अगर एग्जाम्स नहीं दिया तो क्या, बट तुमको तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है फुल्ली, चाहे अभी ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत सारे अदर चैनल्स भी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे अदर चैनल्स जो फालतू के वीडियोज बना रहे हैं, राइट, तो जो इंपॉर्टेंट चैनल्स है उसको फॉलो करो, प्लस मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे लिए जितना नोट्स, जितना मटेरियल प्रोवाइड कर सके हम करेंगे, ठीक है, बट तुमको वीडियो को थोड़ा शेयर करना है। ठीक है, मेरा 4th पॉइंट है यार, मेक प्रॉपर रूटीन एंड ट्राई टू फॉलो इट। यार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम ICSE के हो, क्योंकि तुम लोग ICSE के स्टूडेंट स्पेशली इस बार एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस देने वाले हो, राइट, जिंदगी के सबसे बड़ा एग्जामिनेशंस, तुम्हारे हाथ में सिर्फ 1 साल है, पता नहीं कोरोना क्या होगा नहीं होगा, बट अपने आपको प्रिपेयर रखना है। ठीक है, अगर जिंदा रहोगे तो एग्जामिनेशन दोगे ऑब्वियसली, राइट, तो यार जिंदा सब लोग रहेगा यार, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो क्या करना है इसके लिए, एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो अप करना है, ये ऑब्वियस सा बात है। ठीक है,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्फ स्टडी। भैया सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो स्कूल ही नहीं जा पा रहे यार। तुम पकड़ लो कि तुम इस साल स्कूल नहीं जाओगे। अभी यार अपने आप को यार उस तरीके का फोर्स रखो। हाँ मैं करूंगा, ठीक है। पहला बात है कि नोट्स, आकाश भैया ने मैं स्वयं जितना नोट्स प्रोवाइड करके रखे उस हर एक नोट को एक्सेस करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम ही अपने टीचर हो, तुम ही अपने पेरेंट्स हो, तुम ही अपने आप हो, ठीक है। अपने अंदर वो आत्मनिर्भर चीज बनाओ, ठीक है। टेस्ट पेपर में यार कुछ सॉल्व करो, बट अभी मैं बोलूंगा टेस्ट पेपर सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म करना एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस जो मैं बनाने वाला हूँ उसको फॉलोअप करो। मैं जो ऑलरेडी बना के रखा उसको फॉलोअप करो। अगर उधर जाकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर DMs करो या फिर इस चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर कोई भी एक कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स वगैरह आता है या फिर कोई भी सेम काइंड ऑफ कमेंट आते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाना। मैं ट्राई करूँगा 2022 के लिए ICSE के लिए जितना कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड करने वाला है इस चैनल के अंदर, ठीक है। एंड ISC के लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एंड कंप्यूटर, मैं वो दोनों करवा दूंगा जो हमारा सेकेंड चैनल है, जिसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो भाई अभी यार टाइम वेस्ट मत करो यार, ठीक है। पता नहीं क्या होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, बट अपने फ्यूचर के लिए जितना है अपना औकात दिखा दो यार। अभी एक साल है तुम्हारे पास, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस भी बहुत ह्यूज है। पता नहीं रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा किसी को पता नहीं, बट अपने आप को प्रिपेयर रखो ताकि तुम एकदम 4K आ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। सी या हैव अ वेरी गुड टाइम। प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग विद योर ऑल ईच एंड एवरी ICSE ISC 2022 बैचेस, ठीक है। गुड बाय।